चलिए तो बच्चा लोग हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक में। हम लोग कहाँ पे थे? यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था। लास्ट लाइन क्या लिखी है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सो उसमें लिख दिया था ना कि 99% इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड 1% रिलीज्ड एज यूरिन। ये भी बताए थे हम आपको, तो लिखो उसी में कंटिन्यू करो। इन विच 125 मिलीलीटर पर मिनट, हाँ दैट इज 1 मिलीलीटर पर डे, हाँ उसी में आगे। इन विच 99% इज रीअब्सॉर्ब, इन विच 99% इज रीअब्सॉर्ब एंड 99% इज रीअब्सॉर्ब एंड 1% इज रिलीज एंड 1% इज रिलीज, दैट इज 1.5 liters, 1% इज रिलीज दैट इज 1.5 liters। हो गया। अगला पॉइंट, किडनीज ऑल्सो हैव मैकेनिजम्स, किडनीज ऑल्सो हैव मैकेनिजम्स टू कंट्रोल और रेगुलेट द GFR, टू कंट्रोल और रेगुलेट द GFR, कंट्रोल और रेगुलेट द GFR, टू कंट्रोल और रेगुलेट द GFR। हो गया। GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस JGA is a such a special sensitive region, is a such special sensitive region अरे तो स्पेशल छोड़ दे, सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द DCT मॉडिफिकेशन, हाँ इन द डीसीटी and the afferent arteriole in the DCT and afferent arteriole at the location of their contact, okay हुआ? ओके अगला पॉइंट लिखिएगा, अ फॉल इन GFR, अ फॉल इन GFR, अ फॉल इन GFR एक्टिवेट्स द JG सेल्स, एक्टिवेट द सेल्स ऑफ JG सेल्स मतलब जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन,
टू रिलीज रनिंग which enhances the glomerular blood flow and thus the GFR is restored back to normal देखो होता है क्या, अगर मान लो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरा तो क्या हुआ, क्या ब्लड जो फिल्टर हो रहा है वो घट गया। तो होता यू है कि वो जो जेजी सेल्स है वो सेंसिटिव सेल्स होता है, वो फटाफट से इसको नोटिस करा, कह रहे यार फटाफट रेट गिर रहा है, तो वो रेनिन रिलीज कर लेता। अब रेनिन क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर, जो ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। कंस्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, पाइप का मुंह दबाने में प्रेशर बढ़ता है ब्लड का, पानी का, वैसे ही ब्लड वेसल्स को पतला करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो और तेजी में ब्लड उससे टकराएगा। तो अब जो पहले फिल्टर हो रहा था उससे तेजी में फिल्टर होगा तो वापस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, समझे बात। नेक्स्ट पॉइंट, रीअब्जॉर्प्शन इज डन बाय रीअब्जॉर्प्शन सेकेंड प्रोसेस। हाँ रीअब्जॉर्प्शन इज डन बाय ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज डन बाय ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ट्यूबुलर इपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन by either active or passive diffusion. इसके बाद एग्जाम्पल बहुत मान्य रखेगा, कलर चेंज कर सकते हो कर लो। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सोडियम आयन are reabsorbed actively why nitrogenous waste and water
वाइल नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वॉटर आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वॉटर आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली वॉटर को ड्राइंग करके लिखना इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन देखो नेफ्रॉन बहुत बड़ा था तो नेफ्रॉन के स्टार्टिंग वाले सेगमेंट में ही नाइट्रोजनस वेस्ट और वॉटर क्या होता है रीअब्सॉर्ब होता है ठीक है अगला हेडिंग बनाइए ट्यूबुलर सिक्रीशन ट्यूबुलर सिक्रीशन देखिएगा ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक एच प्लस के प्लस एंड अमोनिया लाइक एच प्लस के प्लस एंड अमोनिया इन लाइक एच प्लस के प्लस एंड अमोनिया इन टू द फिल्टरेट इन टू द फिल्टरेट इन और टू वाला क्यों बोले सॉ into the filtrate. Next point. देखो तुम लोग इतना मत बोलो कि हमको फिर क्या क्लास के बाद हम अकेले जाके खाएं चलिए ट्यूबुलर सिक्रीशन helps in maintenance of tubular secretion helps in maintenance of acid base balance and ionic balance in our body acid base balance and ionic balance in our body fluids Our body fluids, ionic body, acid base balance and ionic balance in body fluids. Okay? सही चीज को काट लोगे फिर सही चीज लिख रहा है. समझदार है. यहाँ ionic body, ionic. सर. चलिए अब हम आपको एक बार स्टार्टिंग में भी बताए थे कि अलग अलग सेगमेंट से हेलेस ग्रुप से फिर पीसीटी से डीसीटी में क्या एब्जॉर्ब होता है क्या रिलीज ट्रीट होता है उसी को वापस से एक बार इतने अच्छे से लिखिए हेडिंग में आइए अच्छे से हाँ फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स अभी तक तो शॉर्ट में लिखवा दिए थे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल अरे इसको कोई पिज्जा का डब्बा दो नहीं पिज्जा पिज्जा फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स देखो इसमें अच्छा सही है बस सही डबल जीरो भैया 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 हाँ पागल मैसेज आया था डबल जीरो मार दिया पाला पीसीटी पीसीटी हाँ देखिए सर इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रस बॉर्डर एपिथेलियम इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल
पिज्जा पिज्जा डबल चीज मार्गरिटा देने में कचरा लगता है नहीं कचरा से टेस्ट एकदम मस्त है इतनी सेकंड लगा पाव रोटी टाइप का नहीं तो ठीक है आप अपने पसंद से पाव मार लीजिए आप अपना पसंद देखिए अनियन पिज्जा ये तो कटिंग में नहीं होता लगता है कटिंग होता है आप लीजिए ना आपको नहीं दिखेगा आपके सामने जब आएगा तब आपको दिखेगा कोई नहीं लिखो लाइन बाय सिंपल क्यूब बॉर्डर दस बॉर्डर पे ट्रिलियन लाइन बाय सिंपल क्यूब बॉर्डर ब्रश बॉर्डर पे ट्रिलियन क्या बात उसमें सही में चार पीस होता है नहीं तो सिंपल क्यूब बॉर्डर ब्रश बॉर्डर दो ऑप्शन दो ऑप्शन अच्छा दोनों दिस ऑप्शन है नहीं 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 70 to 80% of electrolytes 70 to 80% of electrolytes and electrolytes किसको बोलते हैं आयन्स को जो हमारे बॉडी में आयनी बैलेंस मेंटेन रखते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वॉटर आर एब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट And water are absorbed by this segment. Maintains pH and ionic balance by selective secretion of H plus NH3, K+, ऑर्डर हो गया कॉल आएगा बचाना K+ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ K+ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कर उसको बहुत दिलाएगा वो अरे आपका यार इन्वर्टर पे हो रहा पहले पढ़ाई कर H+ NH3 K+ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- HCO3- from it हो गया इको के गया ना ब्लू टेंट चल रहा है ना अपने पेंट नेक्स्ट सेटिंग लूप ऑफ हेनले फ्रॉम क्या बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनले फ्रॉम क्या बोल रहे हैं फ्रॉम इट आई टी वाला इट लूप ऑफ अभी ये टी वाला होगा कैसे करना
नेक्स्ट हेडिंग लूप ऑफ एन लेंथ लिखे इसमें पावर पॉइंट मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन सेकेंड पॉइंट डिसेंडिंग लिम पहले लिखो डिसेंडिंग लिम परमिएबल टू H2O बताया था असेंडिंग लिम में क्या NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है लिखिएगा डिसेंडिंग लिम परमिएबल टू H2O एंड असेंडिंग लिम परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड असेंडिंग लिम परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया असेंडिंग लिम परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स नेक्स्ट पॉइंट helps in maintenance of high osmolarity and small osmolarity in medullary intestinal fluid ठीक है नेक्स्ट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी डीसीटी के बाद खत्म ना क्या खत्म लेट पर डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम Na+ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ कंडीशनल कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड H2O टेक्स प्लेस Na+ एंड H2O टेक्स प्लेस इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड H2O Na+ एंड H2O टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट हो गया लिखिए अगला पॉइंट ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- also capable of reabsorption of HCO3- हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+, K+, and NS3
H plus K plus and NH3 also takes place to maintain pH and sodium potassium balance pH and sodium potassium balance in blood. अब हो गया, चलो ठीक। अगला एडिंग डालना छोड़ दो, ठीक। देखो कलेक्टिंग डक्ट हो गया। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। चलिए।